हे गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है भूषण और आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब भूषण रोड पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो BSNL का कनेक्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे BSNL का FTTH मैंने यहाँ पे लेकर के रखा हुआ है एंड इसका बेसिकली स्पीड मुझे कितना देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे आज करने वाले हैं स्पीड टेस्ट। तो बेसिकली जो मेरा प्लान है उसमें मुझे बताया गया है कि मुझे 50 Mbps का स्पीड यहाँ पे मिलेगा। तो हम देखते हैं कि हमें स्पीड ज़्यादा कैसे मिल सकता है एंड एग्जैक्टली कितना स्पीड मिल रहा है स्पीड टेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे ही आ चुका है मेरा डिवाइस। ठीक है, तो मैं अपने डिवाइस को कर लेता हूँ अपने वाईफाई से कनेक्ट ताकि मुझे एग्जैक्टली स्पीड पता चले कितना स्पीड हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो जो है अब यहाँ पे कनेक्टिंग बता रहा है, तो कनेक्टिंग होने दीजिए एंड अनेबल टू कनेक्ट बता रहा है। वापस एक बार कनेक्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है कुछ इस तरह से गाइस। एंड यहाँ पे जो स्पीड हमें दिखाई दे रही है वो लगभग ये देखिए 9 Mbps की स्पीड। अरे ये फोकस ही नहीं हुआ क्या, एक सेकेंड, इसे ऐसे पकड़ना पड़ेगा मुझे एक हाथ में एंड अब मुझे यहाँ पे इसे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, स्पीड टेस्ट हो जाने देते हैं फिर आपको मैं फाइनल रिजल्ट्स आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये जो स्पीड है ये लगभग मुझे इस तरह से मिल रही है यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो जो अपलोडिंग है कुछ इस तरह से मिल रही है मुझे एंड जो डाउनलोड आपको ऊपर दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसे ना वापस एक बार मैं यहाँ पे एक और बार टेस्ट अगन करते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने ग्रुप पे क्लिक कर लिया है, अभी आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितना स्पीड हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो बेसिकली आप जैसे देख सकते हो स्टार्टिंग में आपको कुछ इस तरह से स्पीड देखने मिल जाता है। ये वाईफाई से कनेक्टेड है अभी मेरा डिवाइस। ठीक है, तो वाईफाई से 50 Mbps वाला मेरा प्लान है तो कुछ इस तरह से अभी मुझे देखने मिलता है। एंड ये देखिए अपलोड देखिए कैसा 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 घुसता है अपलोड, एकदम से उड़ जाता है ऊपर अपलोड। मुझे नहीं पता मतलब अपलोड इतना दे रहे तो डाउनलोड क्यों नहीं दे रहे अभी, नहीं तो 20-30 तक तो भी यहाँ पे डिवाइस पे मिल जाता था लेकिन अभी तो नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पे कितना स्पीड हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुके हैं हम। अभी ये क्या है, तो ये बेसिकली है मेरा डिवाइस जो मैंने कनेक्ट कर लिया है केबल से। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका स्पीड कितना मिलता है हमें। तो ये देखिए गाइस, ओ तेरी की, ओ तेरी, ओ ओ बेटा, ओ बेटा, देखो देखो तुम देखो यार, मतलब सीधा 60-70 तक पहुँच गया था ये। तो यहाँ पे जो है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट यार चले जाता है वायर से। तो ये देखो, ये देखो, ये मतलब देखो, अरे बाप रे, 89 या 79 कुछ तो पहुँच गया था। तो ये स्पीड देखो यार, 54.5 Mbps की स्पीड एंड यहाँ पे जो हमें यहाँ पे स्पीड देखने मिलती है वो जो लगभग हमें स्पीड देखने मिल रही है वो कुछ 44 के आसपास, 44.8। तो यार गाइज मुझे बताइए आपको ये कैसा लगा। तो जो बोलते हैं ना गाइज कि वाईफाई से थोड़ा कम स्पीड मिल जाता है एंड अगर आप वायर इस्तेमाल करते हो तो आपको स्पीड ज़्यादा मिलेगा, तो ये बात ज़रूर से यार 100% सही है। क्योंकि अभी मैंने आपके सामने लाइव करके दिखाया कि जब आप इससे वायर से कनेक्ट करते हो, जब आप इथरनेट से कनेक्ट करते हो ना, तो जो स्पीड आपको मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट आपको स्पीड यहाँ पे देखने मिल सकती है। ठीक है, एंड अगर आप वाईफाई से कनेक्ट करते हो तो स्पीड कम मिलती है। इसलिए हमेशा मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा, अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब आपको वीडियो कॉल है, आपको स्पीड अच्छे से अच्छा चाहिए हर टाइम, तो इथरनेट केबल यूज़ कीजिए। अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत कम भी हो जाए स्पीड हमें चल जाएगा, तो हमें वाईफाई से इस्तेमाल करना है तो आप वाईफाई से इस्तेमाल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कांस्टेंट स्पीड अगर चाहिए ना तो वायर ही इस्तेमाल कीजिए, इथरनेट केबल। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको ये भी पता चल गया होगा कि BSNL वाला कितना अच्छा स्पीड हमें यहाँ पे देता है। डिवाइस पे, मोबाइल डिवाइस पे थोड़ा कम दिखा रहा था आज, पता नहीं क्यों, लेकिन 20-30 के अराउंड तो मिल ही जाता है मुझे वाईफाई पे। आज पता नहीं आज इतना कम क्यों मिल रहा था। तो लेकिन वायर से तो यार मतलब पूरा 100 में से 100 पॉइंट हुआ मैं BSNL को ये स्पीड के लिए। पहले देखा ना इतना ज़ोर से आगे जाता था लेकिन बाद में धीरे धीरे आता है 50 पे, लेकिन स्टार्टिंग में जो ज़बरदस्त मिलता है। तो आई होप अगर आपको कुछ डाउट्स हो गए तो नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। एंड अगर रिप्लाई नहीं मिलता है तो यार बुरा मत मानना, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं मेरे लिए, तो इतना कभी कभी नहीं पढ़ पाता मैं। तो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई ज़रूर से मिल जाएगा वहाँ पे। एंड कोई नया वीडियो अगर देखना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग भी कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई देने की ज़रूर से कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, बाय बाय।